इसमें जो हमने बदलाव किए हैं उससे हमें क्या फ़ायदा है और कैंडिडेट को क्या फ़ायदा है, ये आप जानना चाहते हैं। पहले मैं हमारे लिए कैंडिडेट इम्पॉर्टेंट है, पहले कैंडिडेट की बात करते हैं। कैंडिडेट के लिए जो फ़ायदे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते थे जो बहुत ही पढ़ाई में तेज हैं लेकिन फिजिकल फिटनेस में थोड़े कम हैं। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आते थे रैली के लिए, अब जब चयन प्रक्रिया में वो लोग, उनको बहुत टफ कॉम्पिटिशन झेलना पड़ता था और वो फिजिकल टेस्ट में रह जाते थे। तो हालांकि वो फिजिकली, मैं मानता हूँ, एक एवरेज स्टैंडर्ड के थे और एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट थे, लेकिन वो शामिल नहीं हो पाए भर्ती में। अब क्या है, एक बैलेंस मेंटेन हो गया है। जो भी कैंडिडेट जाता है, हर एक को सी की सुविधा मिल गई है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, रैली में जैसे एग्जांपल दूं, अगर पिछले साल जयपुर की रैली में या झुंझुनू की रैली में करीब जो है 40,000 से ऊपर कैंडिडेट आए, तो हर दिन जो है 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट्स को हम बुलाते थे। कैंडिडेट के लिए भी और हमारे लिए भी ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज होता था। वो रात को जल्दी आके कैंडिडेट वहाँ रहता था, इतने सारे कैंडिडेट को जिला प्रशासन को जो है वो खाना पीना रहना बाथरूम हर सुविधा उपलब्ध करानी पड़ती थी। तो कैंडिडेट अब जो हैं इस संख्या से काफ़ी कम संख्या में आएंगे। हमारा अंदाज़ा है कि 1,000 से 1,200 कैंडिडेट मैक्सिमम एक दिन में आएंगे, जो उसका एक तिहाई हो गया है। तो सारी सुविधाएं कैंडिडेट के लिए आसान हैं। वो रात को बहुत जल्दी स्टार्ट करके रैली में लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा उसको, वो समय से आ सकता है और जो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम है वो बढ़ जाएगी। जब कैंडिडेट्स कम हो जाएंगे तो हर कैंडिडेट पे ज़्यादा समय से दिया जाएगा, ज़्यादा ध्यान से उसके ऊपर गौर उसके फरमाई जाएगी और ये पूरी सिस्टम और पूरी जो प्रक्रिया है ये एफिशिएंट हो जाएगी। तो ये इसका फ़ायदा कैंडिडेट को है।